नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर की सीढ़ियों के बारे में। आपके घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और अगर सीढ़ियों की वजह से कोई दोष पैदा हो रहा है तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र रात के 8:12 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र सूर्य और राहु विद्यमान है मीन राशि में, बुध और बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में और मंगल तथा शनि विद्यमान है कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में और जीवन में सीढ़ियों का महत्व क्या है। देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से, किसी भी घर के डेवलपमेंट से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां आपके जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हों तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, अगर घर के अंदर सीढ़ियां हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे चूंकि सीढ़ियां जीवन का उतार चढ़ाव बताती हैं, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध राहु और केतु से होता है। अगर आपके जीवन में गलत सीढ़ियां हैं, मकान में गलत सीढ़ियां हैं, तो ये जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं और इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु प्रभावित हो जाते हैं। यानी अगर आप गलत सीढ़ियां बनाते हैं तो आपकी कुंडली के राहु और केतु आपको नकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, धन आपको आसानी से मिलेगा, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी, पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन को लेकर समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप अपने घर में सीढ़ियां बना रहे हैं तो सीढ़ियां बनाते समय उसके निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो नैऋत्य कोण है घर का, जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है, साउथ वेस्ट का इलाका है, वहां पर सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने, ईशान कोण में या आग्नेय कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उसमें घुमाव जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या जल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए और भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर बनाने का प्रयास ना करें, वरना घर में निगेटिविटी फैलेगी और आप उस निगेटिविटी से परेशान हो सकते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन के मामले आपके हल होंगे,
संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, परिवार की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया घर के निर्माण के समय ध्यान नहीं दिया गया और सीढ़ियां गलत बन गई हैं तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, सीढ़ियों का जो रंग है वो सफेद रखने का प्रयास करिएगा और सीढ़ियों के साथ जो दीवार चली जा रही है ऊपर, उस दीवार पर लाल रंग का एक बड़ा सा स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करा लिया है, कुछ गलत बना लिया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा, एक तुलसी का पौधा रखिएगा। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, वहां पर प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की शुरुआत वाले स्टेप पर और खत्म होने वाले स्टेप पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे आप चाहें तो पढ़ने लिखने की वस्तुएं या किताबें रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा करना सबसे ज्यादा सही होगा। सीढ़ियों के नीचे सबसे ज्यादा निगेटिव होता है कि आप बाथरूम या टॉयलेट बनवाते हैं तो कृपा करके सीढ़ियों के नीचे बाथरूम या टॉयलेट मत बनवाइएगा, ऐसा करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, नौकरी में आपके तरक्की होगी, शत्रु और विरोधी आपके समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम बढ़े होने से काम की अधिकता से परेशानी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें
और रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों की कुंडलियों में राहु और केतु की स्थिति बेहतर नहीं होती है, अक्सर उनके घर में सीढ़ियां बेहतर नहीं होती हैं, या अगर आपके घर में सीढ़ियां बेहतर तरीके से नहीं बनी हैं तो आपकी कुंडली के राहु और केतु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना बन सकती है। तो आप अगर राहु और केतु से परेशान हैं तो कम से कम अपने घर की सीढ़ियों को देखिए। अगर वो सही तरीके से नहीं बनी हैं या उनके नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है तो कृपा करके उसको सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो राहु और केतु की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी और आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रात में भोजन करने के बाद तुरंत सोने से बचिएगा। कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखिएगा। जहां तक संभव हो बाईं करवट करके सोइए। ऐसा आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं दिनांक 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान को जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उनको पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उन पीले फूलों में से 1 फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।